नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी भाइयों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 7 घंटे के अंदर अंदर कैसे दिल्ली से सुल्तानपुर नेशनल पार्क घूमकर वापस आ सकते हैं, वो भी कम से कम खर्चे में। इस वीडियो में मैं आपको हर एक छोटी छोटी जानकारी दूँगा कि आप दिल्ली से सुल्तानपुर नेशनल पार्क कैसे पहुँचें, सुल्तानपुर नेशनल पार्क से दिल्ली कैसे वापस आएँ, सुल्तानपुर नेशनल पार्क की क्या एंट्री टिकट है। हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही दिल्ली NCR की खूबसूरत जगहों पर वीडियो बनाता रहता हूं। तो आइए दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये है दिल्ली का धौला कुआं और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। धौला कुआं से आपको गुड़गांव बस अड्डे के लिए हर 15-15 मिनट में बसें मिल जाएंगी। जैसे आप हरियाणा रोडवेज, प्राइवेट बसें, दिल्ली की DTC बसें, यहां से आपको डायरेक्ट गुड़गांव बस अड्डे के लिए आसानी से मिल जाएंगी और इन सभी बस में नॉर्मल ही किराया होता है 50 रुपये पर व्यक्ति। मैं बस में बैठ चुका हूं और हमारी बस धौला कुआं से निकल चुकी है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैं गुड़गांव बस अड्डा पहुँच चुका हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:05। रास्ते में जाम था, ट्रैफिक था, इसलिए थोड़ा लेट हो गई बस, नहीं तो ये आपको बस 45 से 40 मिनट में धौला कुआं से गुड़गांव आसानी से पहुंचा देती है। अब यहां से हम बस लेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क के लिए। अब मैं बस लूँगा, मैं आपको बता देता हूं कि आपको बस कहां से मिलेगी गुड़गांव बस अड्डे में। आप देख सकते हैं सामने 5 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ झज्जर भिवानी, यहाँ पे दोस्तों आपको बस मिल जाएगी सुल्तानपुर नेशनल पार्क के लिए। आपको उसी बस पर बैठना है जिस बस के ऊपर झज्जर और फारूक नगर लिखा हो, क्योंकि झज्जर और फारूक नगर को जाने वाली सभी बसें सुल्तानपुर नेशनल पार्क होकर जाती हैं। मैं फारूक नगर को जाने वाली बस पर बैठ चुका हूँ। इस बस के बाहर लिखा हुआ है गुड़गांव टू फारूक नगर। इस बस में नॉर्मल ही किराया है गुड़गांव टू सुल्तानपुर नेशनल पार्क तक का 30 रुपये पर व्यक्ति। अभी टाइम हो रहा है 11:30 हो रहे हैं दोस्तों, और हमारी बस गुड़गांव बस अड्डे से निकल चुकी है। गुड़गांव से सुल्तान नेशनल पार्क की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। बस वाले से मैंने पूछा भी कि कितना टाइम लगेगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क पहुंचने के लिए, तो बस वाले ने मुझसे कहा ज़्यादा 1/2 घंटा अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो। चलते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है। दोस्तों, आप सामने देख रहे हो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये बस स्टैंड देख रहे हो, इस पर लिखा हुआ है साधराणा मोड़। दोस्तों, आपको बस वाला इसी बस स्टैंड के सामने उतार देगा, साधराणा मोड़ बस स्टैंड पर। और इस बस स्टैंड से सुल्तानपुर नेशनल पार्क की दूरी लगभग 300 मीटर है। अब मैं इस बस स्टैंड से पैदल जाऊंगा। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गुड़गांव बस अड्डे से बस वाले ने हमें यहाँ पर 45 मिनट में पहुँचा दिया है। जब आप गुड़गांव की तरफ से आओगे तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको उल्टे हाथ की तरफ पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, ये रोड पूरा हाईवे झज्जर की तरफ चला गया है और यहाँ पे हमारा नेशनल पार्क है। दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अगर आप बस वाले से रिक्वेस्ट करोगे तो बस वाला आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क के मेन गेट के सामने यहीं पर दोस्तों आपको उतार देगा। अब मैं अंदर एंट्री करूँगा, ये देखिए अंदर, ये पूरी पार्किंग है। यहाँ पर आप गाड़ी साथ हो तो पार्किंग की भी व्यवस्था है यहाँ पे। और सामने आप देख रहे हो, ये है टिकट काउंटर। दोस्तों, यहाँ से मैं टिकट लूँगा। मैं टिकट ले चुका हूँ,
₹5 की टिकट है यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति, आप देख सकते हो। और 15 साल से छोटे बच्चों की ₹2 की टिकट है और फॉरेनर टूरिस्ट की ₹40। तो आइए अब मैं आपको पूरा पार्क घुमाता हूँ और साथ ही साथ आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में जानकारी भी दूँगा। ये देखिए सामने, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम में आप पक्षियों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया शोर न मचाएं। इस पार्क में आप देख सकते हो कि जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं और पक्षियों के बारे में बता रखा है, उनके नाम और उनके बारे में कब आते हैं यहाँ पे और कब जाते हैं, पूरी डिटेल दे रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे आप कौन कौन से पक्षी देख सकते हैं, कब आते हैं, उनकी नॉलेज भी आपको यहाँ पर मिलेगी। यह सुल्तानपुर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, पक्षी प्रेमी और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक खूबसूरत स्थान है। यहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के पक्षी, घने पेड़ों व झीलों से सजा यह नेशनल पार्क किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आकर आपके मन को एक सुकून का अनुभव होता है। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी झाड़ियाँ, घास के मैदान और बहुत ही ज़्यादा संख्या में बोगनवेलिया के पौधे हैं। यह नेशनल पार्क प्रवासी पक्षियों का घर है। अक्टूबर महीने से यहाँ पर तरह तरह के प्रवासी पक्षी आते हैं। इन प्रवासी पक्षियों से इस पार्क की खूबसूरती और बढ़ जाती है। पार्क के सुंदर नज़ारे व पक्षियों को देखने के लिए यहाँ पर कई सारे वॉच टावर भी बनाए गए हैं। इन वॉच टावर के ऊपर से आप पार्क की खूबसूरती और पक्षियों की एक्टिविटी को करीब से देखने व जानने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क को सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप झील के पानी में तैरते पक्षी, इधर उधर फुदकते और आसमान में उड़ान भरते पक्षियों को बहुत ही करीबी से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको किंगफिशर, ग्रे पेलिकेंस, स्पून बिल्स, पॉन्ड हेरोंस, वाइट ईबिस आदि पक्षी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इन पक्षियों के अलावा इस पार्क में नील गाय, हिरन, गाय भी यहाँ के प्रमुख आकर्षण में से एक हैं। यदि आप भी सुल्तानपुर नेशनल पार्क आना चाहते हैं तो आप दिसंबर महीने से लेकर फरवरी महीने के बीच में आ सकते हैं, क्योंकि इस समय के दौरान यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के प्रवासी पक्षी जो कई मीलों की दूरी तय करके यहाँ पर आते हैं। अगर आप पक्षी प्रेमी हो तो इन महीनों के दौरान ही आप यहाँ पे आएँ। अगर आप इस पार्क के बारे में और भी अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो दोस्तों, मैंने इस पार्क के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपने चैनल पर डाल रखी है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि अभी टाइम क्या हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है मेरी घड़ी में 3 बज गए हैं दोस्तों। आप देख सकते हो कि ये पार्क हमने बहुत ही अच्छी तरीके से घूम लिया है। अगर आप चाहें तो इस पार्क को 2 घंटे में भी पैदल बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे बहुत टाइम दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वापसी कैसे जाएँ। जैसे हम दोस्तों आए थे वैसे ही हमको वापसी जाना है। जहाँ पर हमें बस वाले ने छोड़ा था साधराणा मोड़ बस स्टैंड पर, उसी बस स्टैंड से दोस्तों आपको गुड़गांव के लिए बस मिल जाएगी। हर आधे आधे घंटे में आपको गुड़गांव के लिए रोडवेज बसें और प्राइवेट बसें मिल जाएंगी। उन बस में भी नॉर्मल ही किराया है ₹30 पर व्यक्ति। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बस वाला 45 मिनट के अंदर ही अंदर आपको गुड़गांव बस अड्डा पहुँचा देगा। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। फिर आप उसके बाद गुड़गांव बस अड्डा पहुँचने के बाद आप गुड़गांव बस अड्डे से दिल्ली के लिए आपको बस मिल जाएंगी हर 15-15 मिनट में। वहाँ से प्राइवेट बसें, रोडवेज बसें, दिल्ली ग्रीटी से बसें आपको मिल जाएंगी। उन बस में भी नॉर्मल ही किराया है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वही ₹50 या किसी किसी बस में ₹40 भी लगता है। आप आसानी से दिल्ली पहुँच सकते हैं। मैं 3 बजे सुल्तानपुर नेशनल पार्क से निकला था दिल्ली के लिए और 4:45 पर मैं दिल्ली धोलाकुआं पहुँच गया था। उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो में समझ गए होंगे कि हमें कितना समय लगा और कहाँ कहाँ कितना किराया लगा। अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आपको मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।